Assalamualaikum viewers. Viewer, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ how to stay here at home बिना कोई केराटिन यूज़ किए. Viewers, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है. अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा. तो चले हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले जो कि इस प्रोटीन में मैं यूज़ करूँगा वो है ग्रेसलिन. ग्रेसलिन यहाँ आप कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं जो कि घर में आपके पास अवेलेबल हो. नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारे पास एलमंड ऑयल. एलमंड ऑयल आप ये देख सकते हैं इस तरह का होता है, यही आप यूज करेंगे. थर्ड स्टेप है वो है हमारे पास एलोवेरा जेल. अगर आपके पास ये बाजारी एलोवेरा जेल मौजूद है तो आप ये यूज करें, नहीं तो आप नेचुरल एलोवेरा जेल ही यूज करें. वो आपके बालों को हेल्दी बना देगी. और फोर्थ जो के मेन स्टेप वो है मैं हमारे पास रॉ मिल्क. अगर रॉ मिल्क ना हो तो योगर्ट भी यूज कर सकते हैं. अब मैं आपको बता देता हूं कि आप इस सारी चीज़ों को मिक्स करते करेंगे. सबसे पहले मैं ग्रेसलिन ले लूँगा एक चम्मच और रॉ मिल्क में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूँगा. नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास ये एलमंड ऑयल. एक टेबल स्पून ही हम एलमंड ऑयल इसमें शामिल कर लेंगे. अगर आपके बाल ज़्यादा लेंथी है तो आप अपने बालों के हिसाब से इसको बना सकते हैं. अगर आपके बाल ज़्यादा कर्ली हैं तो आप इसे हफ्ते में 2 दफ़ा लगा सकते हैं. ये देखिए, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून एलमंड ऑयल शामिल कर दिया है. फोर्थ स्टेप है हमारे पास ये एलोवेरा जेल. 2 चम्मच एलोवेरा जेल भी हमें इसमें ऐड कर देनी है. ये देख सकते हैं आप, 2 चम्मच एलोवेरा जेल इसमें मैंने ऐड कर दी है और इस मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. ये देखें, जब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और हाँ, इसे लगाने से पहले आपके बाल अच्छी तरह से शैम्पू हुए हों. ये देख सकते हैं इसे लगाने से पहले मेरे बालों का हाल. अब इसे मैं अपने बालों के ऊपर अच्छी तरह से लगा लूँगा. इस प्रोसीजर को आपने 2 घंटे अपने बालों के ऊपर लगे देने रहने देना है और बाद में इसे दोबारा शैम्पू कर लेना है और बाद में आप इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे, जो कि अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ. ये चेक कर सकते हैं रिज़ल्ट बालों का. अगर आप वीक में आपे 1 या 2 दफ़ा इसे इस्तेमाल करेंगे तो आपका रिज़ल्ट आपको जल्दी ही मिलना शुरू हो जाएगा और ये आपके बालों को बिल्कुल भी डैमेज नहीं करेगा. अगर आप ये मेरा प्रोसीजर घर पर ट्राई करें और इसके रिज़ल्ट आप मेरे साथ नीचे कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा. तो अपना ख्याल रखिएगा. तो मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूंगा. सो बाय.